हैलेट हॉस्पिटल में मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, और इस नई विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स में दो फाड़ हो गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस मामले में प्राचार्य ने उप प्रधानाचार्य पर आरोप लगाकर उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी करने का नोडल ऑफिसर बताया, जबकि उप प्रधानाचार्य का कहना है कि जब मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन इश्यू किए गए तब वो खुद और उनका परिवार कोरोना पॉजिटिव था। इंजेक्शन कैसे इश्यू हुए ये डॉक्टर और स्टाफ बेहतर बता सकता है। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। एबीपी गंगा ने ही इसका खुलासा किया था कि वहां पर इस तरह का घोटाला किया गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में शामिल अस्पताल प्रबंधन के लोग थे, स्टाफ थे, जहां मुर्दों को इंजेक्शन लगाने के बहाने रेमडेसिविर इंजेक्शन जारी किए गए, इश्यू करवाए गए और उसके बाद उनको मार्केट में ऊंची ऊंची कीमतों पर बेचा गया। एक सनसनीखेज मामला सामने ये आया है कि यहाँ पर मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए। हमारे साथ जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋचा गिरी हैं। डॉक्टर ऋचा गिरी से बात करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रिंसिपल डॉक्टर आरबी कमल साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन्स को अप्रूवल देने का अधिकार डॉक्टर ऋचा गिरी को था और वो इसकी नोडल ऑफिसर भी थी। डॉक्टर ऋचा गिरी, आप ये बताइए कि आपने मुर्दों को रेमडेसिविर इंजेक्शन देने का अप्रूवल क्यों दिया? नहीं, देखिए, मैं तो एक तो नोडल ऑफिसर ऑफ रेमडेसिविर नहीं हूँ और मैं सिर्फ एज एचओडी मेडिसिन मैं खाली अप्रूवल देती हूँ। वहाँ पे देखिए, कोविड हॉस्पिटल का प्रक्रिया ये होती है कि कोविड हॉस्पिटल में ऊपर हर जना नहीं जा सकता है, तो जिस कंसल्टेंट की और रेजिडेंट की ड्यूटी होती है वो वहाँ से अगर किसी पेशेंट को आवश्यकता होती है तो वो उसका BHT का फ्रंट पेज और जो ऑर्डर का पेज होता है वो, प्लस उसके इन्वेस्टिगेशन के आधार पे मेरे को एज HOD मेडिसिन मैं संस्तुति करती हूँ कि वेदर उसके लग सकता है या नहीं। उसका लिवर फंक्शन टेस्ट, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट, उसका हीमोग्लोबिन और प्लस उसका CRP वगैरह के आधार पे मैं ये अप्रूव करती हूँ कि वो इंजेक्शन उसको लगेगा या नहीं। डॉक्टर आरबी कमल ने कहा कि आप नोडल इंचार्ज थी, नोडल ऑफिसर थी, तो उनका ऐसा कहने का क्या मकसद रहा? अब ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मैं, हाँ, मैं HOD मेडिसिन हूँ और मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ। नोडल ऑफिसर जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं वो वहाँ पे डॉक्टर प्रेम सिंह, डॉक्टर संजय कुमार और जो ICU के हैं इंचार्ज वो डॉक्टर अनिल वर्मा हैं। नोडल ऑफिसर कोविड के डॉक्टर सौरभ अग्रवाल हैं। ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है। रेमडेसिविर का पूरा एक ग्रुप होता है, मैं अकेले नहीं उसमें हूँ। विभाग, मतलब हमारे कॉलेज के सभी डॉक्टर्स उसमें, उस ग्रुप में हैं और वो व्हाट्सएप पे मेरे पास आता है और उस पर जब मैं अप्रूव करती हूँ तो उसका इंडेंट वहाँ के फार्मासिस्ट बना के सेंट्रल स्टोर में भेजते हैं। प्रिंसिपल आरबी कमल ने साफ तौर पर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर ऋचा गिरी का नाम लिया था और साफ तौर पर कहा था कि वो नोडल इंचार्ज हैं, ऑफिसर रही हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन को अप्रूव करने के लिए, लेकिन इनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्राइमरी अप्रूवल तो ज़रूर दिया जाता है इनके द्वारा, लेकिन इसके बाद जो इशू किए जाते हैं इंजेक्शन उसमें उनका कोई रोल नहीं रहता। यही सबसे बड़ी घपला है, यही सबसे बड़ा घोटाला है कि प्राइमरी अप्रूवल के बाद जब पेशेंट की मृत्यु हो गई उसके नाम पे इशू किए जाते रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन। प्रिंसिपल ने एक कमेटी बना दी है 3 सदस्यीय और कमेटी जांच भी कर रही है, लेकिन मामला कुछ और बढ़ कर के प्रतीत होता है जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा।